तो जय माता दी दोस्तों, ये देखिए, ये पंडित जी बैठ रखे, पंडित जी बैठ रखे, आप पंडित आयन जी, जय हो पंडित आयन जी, सुनो। और ये देखिए यहाँ पे जो है मंदिर में आते हुए हमें देखे अमित का स्कूल, 6 महीने जोशीमठ पढ़ते हैं और जो लोग यहाँ रहते हैं वो 6 महीने यहाँ पढ़ाते हैं स्कूल। और यहाँ पे देखे सरस्वती शिशु मंदिर जो है बामणी गांव स्कूल, यहाँ पे ये है माता रानी का जो है मंदिर का गेट। और इधर से कुछ दीदी लोग देखिए गौशाला जा रहे हैं, डब्बा डब्बा आ गए। अच्छा ये सब आपको खेच, अच्छा घोर कक मुझे भैया। अच्छा हाय एवरीवन, जय बद्री विशाल। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हो कि सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग नई वीडियो में। तो आज देखिए फिर से हम लोग बद्रीनाथ में घूम रहे हैं यहाँ पे, और शाम का टाइम हो रहा है अभी, तो अभी जो है 6 बजे का टाइम हो रहा है शाम का, और हम लोग घूम रहे हैं बद्रीनाथ में। देखिए थोड़ा सा इधर काफ़ी खेती बाड़ी करी हुई है इधर सबने, और यहाँ पे जो है नंदा देवी मंदिर है और उर्वशी देवी मंदिर है जो, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि किस तरह का मंदिर है। तो आप लोग बने रहिएगा व्लॉग में, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। और ये देखिए इधर जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं, और आजकल इधर राई आलू पालक वगैरह, और आंटी देखिए यहाँ पर अभी गुड़ाई कर रही है। का खाचा आप लोग बामणी गाँव का, अच्छा ये सब आपको खेच, अच्छा घोर कक मुच, अच्छा अच्छा अरे इधर से कुछ दीदी लोग देखिए गौशाला जा रहे हैं, डब्बा डुब्बा आ गए। अच्छा 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 हम भी इधर के लोकल मैठाना मैठाना, हाँ हाँ जी हाँ। और ये देखिए ये है मंदिर, काफ़ी दूर से दिखा रही हूँ आप लोगों को, और ये पूरा जो है शाम के टाइम का नज़ारा सारे इधर खेत। हाँ जी, और क्या कहती हो घूम दर्शन कर लायक, अभी नहीं जाइए, अब बहुत प्लान अब बढ़ो। अच्छा अच्छा हाँ, तो बहुत जो ला आप मंदिर में जो लो जरा, हाँ चल। और ये देखिए साथ में है चाची जी और बेबोरानी, और हमारे दूध वाली दीदी भी आ गई इधर देखे घूमते घूम। कख मुझे तुम आओ गौशाला, अच्छा 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 दूध क्यों आई अखबी, अच्छा घोर यक्ष, अच्छा अच्छा। तो ये देखिए नंदा देवी मंदिर के नजदीक घर है, तो हम भी चलते हैं इनके पीछे पीछे। और ये देखिए सूखा हुआ घास, हाँ वीडियो, और ये है देखिए बद्रीनाथ का स्कूल, 6 महीने जोशीमठ पढ़ते हैं और जो लोग यहाँ रहते हैं वो 6 महीने यहाँ पढ़ाते हैं स्कूल। हाँ। और ये देखिए व्यवस्था पे है यहाँ, अच्छा 6 महीने जिसके बच्चे माँ बाप यहाँ आते तो यहीं यहीं पढ़ाना। तभी मैं बोलूँ मैं ये था देखनी पहले भी बच्चे देखो छो नया, अच्छा अब ये बार था हम यही जून चे ना अभी तभी इधर से देखिए मंदिर जाने का जो है रास्ता इधर से है। हाँ नंदा देवी मंदिर को तब देख पहले मत बोलनी। और ये देखिए कितना अच्छा घर बना हुआ हमें रेंट पे, मस्त गेट गुड लगे हुए, वो तो ताला लगे सच भी दे बता कोई। और इधर भी देखिए काफी छोटे छोटे से घर, चलो चलो चलो। और ये है उर्वशी मंदिर मार्ग, इधर से रास्ता देखिए ना। और इधर देखिए जो है आलू लगे हुए दिखा, आलू की खेती ये देखिए काफी सारे जो है आलू लगा रखे इधर कौन आंटी का, और सब काम काज से आते हुए इधर से शाम के टाइम पे। अच्छा वो तो देखिए कितना सुंदर जो है नज़ारा है यहाँ का, और
शाम के टाइम पे भी कितना सुंदर लग रहा है। और अब देखिए यहाँ से जो है मंदिर की झलक दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये उर्वशी माता का मंदिर है, और अंदर जाके दिखाते हैं क्या क्या है। और कुछ लोग इधर भी लगे हुए खेती बाड़ी पे, देखिए तो ये देखिए ये है माता रानी का जो है मंदिर का गेट, और इधर से जो है एंट्रेंस देखिए इधर से है। जय माता दी, बोलो जय माता दी। और ये देखिए कितना सुंदर जो है मंदिर है पहाड़ों में, देखिए माता रानी पहाड़ों में ही बसते हैं। देखिए देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी है, कण कण में जो है देवताओं का वास है। ले तो बेबो देखिए घंटी पे नहीं पहुंच पा रही है। और ये देखिए मंदिर, और चाची जी पे बहुत ताकत है, देखिए जरा बजाओ फिर बजाओ। और चलो अब मैं भी बजाती हूँ, छोड़ जय माता रानी है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है और कितना स्पेस है, देखिए। और आजकल देखिए छोटे छोटे मंदिर देखिए हर जगह मिलते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में इतना स्पेस है कि बहुत बड़ा जो है मंदिर भी बन जाता है यहाँ पे, देखिए। और जय माता दी। तो ये देखिए ये है माँ उर्वशी, और ये देखिए, और तो जय माता दी दोस्तों। ये देखिए ये है माता रानी, दर्शन कीजिए आप लोग भी। माता रानी जो है सबका कल्याण करे। जय माँ। लगा दिया ले पंडित जी, बैठ रखे हैं पंडित आयन जी। जय हो पंडित आयन जी। सुनो और ये देखिए यहाँ पे जो है मंदिर में आते हुए हमें देखे अपने पुराने जमाने के जो होते हैं बर्तन, देखे चाशनी ये भी देखने को मिल गई। देख ले बेबू खाना पकता है इसमें, प्रसाद पकवान हलवा हलवा। तो एक बार फिर से देखिए आप लोग भी दर्शन कीजिए, और फिर हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। जय माता रानी। तो ये देखिए फिर से अब हम आ गए हैं दर्शन करके, और इधर पे देखिए बैठने का भी अच्छा बना रखा है। और उधर देखिए जहाँ परसों मैंने ब्लॉग बनाया था, वीडियोज़ रील्स वगैरह बनाई थी, और हम लोग रहते हैं उधर के साइड। अमित रेवानी जी और यहाँ पे देखे सरस्वती शिशु मंदिर जो है बामणी गांव स्कूल यहाँ पे भी है। 6 महीने जो लोग यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है, जुलाई से स्टार्ट होगा स्कूल। और फिर से हम लोग आ रहे हैं नीचे की तरफ, देखिए अब हम चलेंगे नंदा मैया के जो है दर्शन करने के लिए। और अब देखिए हम आ गए हैं नंदा मंदिर, नंदा माता के मंदिर में। और ये देखिए और थोड़ा सा पहले हाथ पैर धो, हाथ धोते हैं पैर तो क्या धोना, ठंड लग रही है ना, चल पीछे चल, मिट्टी के हाथ है ना। और ये देखिए एक छोटा बच्चा, हेलो हाय कलो हाय भागो। और ये देखिए माँ नंदा का मंदिर बामणी गांव में बद्रीनाथ धाम में। और माता नंदा के बारे में सभी ने सुना होगा, नंदा अष्टमी, और उसमें यहाँ पे जो है मेला भी लगता है। और अब हम जो है दर्शन करेंगे अंदर जाके।
और ये देखिए जो है माता का मंदिर, और ये देखिए जो माता की डोली आती है, ये सारे देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे तपस्या भी हो रही है। और ये देखिए यहाँ पे पुराने जमाने के बर्तन देखिए आप लोग, देखने को बहुत कम मिलते हैं ऐसी चीजें। और ये रहा देखिए माता का मंदिर, जय माता दी, माता रानी। और छोटी माता रानी देखिए टीका लगा रही है हमें। और अब देखिए गाइस हम जो है यहाँ पे आ चुके हैं, और ये है लीला ढूंगी, और भगवान नारायण जी का है शायद से, और यहाँ पे देखते हैं क्या है। उतार दो। और ये देखिए ये है लीला ढूंगी टेंपल, देख सकते हैं आप। हाँ वो तो, और ये है देखिए लीला ढूंगी, यहाँ पे भगवान नारायण विष्णु भगवान जी ने जो है, बद्रीनारायण भगवान ने यहाँ पे कुछ लीला, तो नारायण भगवान ने यहाँ पे जो है अपनी लीला जो है रची थी यहाँ पे। जैसे नारायण भगवान हर बार अपना अवतार लेते हैं, कुछ ना कुछ जो है अपनी लीला करते हैं, तो ये पत्थर यहाँ पे है, तो यहीं पे इन्होंने जो है लीला करी थी अपनी, तो इस प्लेस को जो है लीला ढूंगी कहा जाता है। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए भगवान विष्णु के जो है लीला ढूंगी के। और हम चल रहे हैं घर की तरफ, और फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, कल परसों जहाँ का टूर रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पेज को फॉलो करें। बाय बाय।